खराब लगता है, वोट लगने से बचरी बार बार। अरे उधर को बात करो ना तुम इंसान ही तो, हम तो बताओ कोई बात है क्या, मगर ऐसे चला रहे आपने कि किस तरीके से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रामपुर में हुई घटना को लेकर दलित छात्र की मौत के बाद आपको बता दें कि पीड़ित परिवार से मिलने जा रहे चंद्रशेखर आजाद को योगी पुलिस रोक रही है। आपको पता हुआ कि कल रामपुर के मिलक कोतवाली क्षेत्र के सिलई बड़ा गांव में बाबा अंबेडकर के बोर्ड को हटाने आई पुलिस ने फायरिंग की और इस फायरिंग में आपको बता दें कि 17 साल के दलित छात्र की मौत हो गई। मौत के बाद आपको बता दें कि भीम आर्मी और दलित समुदाय में काफ़ी ज़्यादा आक्रोश है। आज भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद रामपुर के उसी परिवार से मिलने जा रहे थे और अंबेडकर बोर्ड को लेकर हुए विवाद और योगी सरकार की जो पुलिस है उसने इस तरीके से फायरिंग की कि कई लोग उसमें घायल हो गए और एक दलित छात्र की मौत हो गई। चंद्रशेखर आज़ाद ने लिखा कि आज फिर से हाथरस याद आ रहा है, उत्तर प्रदेश में दलितों का दमन चरम पर है, रामपुर में भाई सोमेश की पुलिस द्वारा गोली मारकर कर दी गई हत्या, कई लोग घायल हैं लेकिन पुलिस मुझे संभल में रोक कर खड़ी है, क्या अब मैं अपने पीड़ित परिवार से भी नहीं मिल सकता हूं? सच में उत्तर प्रदेश बदल गया है, अब दलितों की हत्या के लिए अपराधियों की जरूरत नहीं है, योगी जी की पुलिस ही बहुत है, जितनी पुलिस लगानी है लगा लो, मुझे रोकने के लिए मैं जाऊँगा और ज़रूर जाऊँगा। यह बात सरकार ध्यान से सुन ले, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बताएं दलितों की हत्याएँ कब बंद होंगी उत्तर प्रदेश में। ये बड़ा बयान आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद ने दिया है, उन्होंने कहा कि मैं किसी भी कीमत पर रामपुर के पीड़ित परिवार से मिलूंगा और इस पूरी घटना की जांच करूंगा। ये आपको बता दें कि चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ से बड़ा बयान आया है। फिलहाल आपका इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहना है कॉमेंट करके जरूर बताएँ, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।